सूक्ष्म शरीर क्या है, शरीर के प्रकार क्या हैं, यह शरीर किन चीजों से मिलकर बना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शरीर तीन प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों से मिलकर बना होता है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र दो तत्व शेष रह जाते हैं, वायु और आकाश तत्व। आत्मा एक शरीर नहीं बल्कि तीन शरीरों से ढकी हुई है। पहला आवरण बाहरी शरीर है जिसे भौतिक या स्थूल शरीर भी कहा जाता है। दूसरा आवरण सूक्ष्म शरीर है और सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर है। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर, नश्वर शरीर, जो जीव जन्म के समय धारण करता है, यानी जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, यह पांच तत्वों का बना हुआ है। यह भौतिक शरीर आत्मा का अस्थाई निवास है जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर गृहस्थ के लिए घर के समान है जिसमें रहते हुए वह बाहरी जगत से संपर्क बनाए रखता है, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर को हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए हम सोचते हैं कि स्थूल शरीर ही सब कुछ है। स्थूल शरीर को हम जागृत अवस्था में ही अनुभव कर सकते हैं, यह जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। इसी के माध्यम से आत्मा जड़ पदार्थों के सुख दुख का अनुभव करती है। वैदिक परंपरा में स्थूल शरीर महत्वपूर्ण है क्योंकि यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, यानी बिना स्थूल शरीर के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर, इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। स्थूल शरीर के विपरीत इसे ना तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के 17 अंश हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कामेन्द्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, जिसका टोटल योग होता है 17। सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म तत्व से बना है और इस भौतिक शरीर से कार्यशील होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न अवस्था में होता है, यानी जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं किया जा सकता। मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता बल्कि यह आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में चला जाता है। आत्मा जिस शरीर का त्याग करती है उस शरीर से मन और इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही यह आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरी शरीर में ले जाती है। जब आवागमन का चक्र चलता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर से बंधी रहती है। अब ये कारण शरीर क्या है? तीनों शरीरों में सबसे अंदर का आवरण जो होता है उसे कारण शरीर कहते हैं, जो आत्मा को ढके हुए है, वह जो अवर्णीय है, अनादि है, जो अविद्या है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का मूल कारण है, जिसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं, जो अखंडनीय है, जिसके खंड किए ही नहीं जा सकते, वह कारण शरीर है। कारण शरीर की प्रकृति अज्ञानता यानी अविद्या है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं। इसी आवरण के कारण आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य लिखते हैं कि अविद्या या माया आत्मा का कारण शरीर है, जिसके कारण सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इस अज्ञानता के कारण आत्मा अपनी पहचान स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से करती है। कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। सुसुप्ति की अवस्था यानी गहन निद्रा की अवस्था ही कारण शरीर है। गहन निद्रा की अवस्था में इंद्रियां और मन कार्यशील नहीं रहते, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत और आनंदमयी आत्मा के बीच
कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता है। इस अवस्था में आनंद ही आनंद है, क्योंकि यह आवरण आत्मा के सबसे निकट है। परंतु अगर आप परम आनंद चाहते हैं तो परम आनंद के लिए इस शरीर का त्याग भी जरूरी है, जो समाधि की अवस्था से संभव है। जब आत्मा इन तीनों शरीरों का त्याग करके मन और माया के दायरे से परे चली जाती है, वहां पर आत्म साक्षात्कार के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म साक्षात्कार होता है और आत्मा पार ब्रह्मा में लीन हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि शरीर के प्रकार कितने हैं, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और यह हमारा स्थूल शरीर जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिना इस स्थूल शरीर के मोक्ष और उस परम आनंद को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अध्यात्म से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के एक एक कमेंट पढ़ता हूं। तो कमेंट करते रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।